मैं आपको नेनुआ का चोखा बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमने नेनुआ को लेके उसे धो लिया है अच्छे से, और फिर हमने थोड़े पतले टाइप के नेनुए को लिए हैं, मतलब आप ज़्यादा मोटे नेनुओं को यूज़ मत करें। हमने एक स्टैंड ले लिया है, उसके ऊपर हमने इतने सारे नेनुओं को रख दिया है। अब इसे हम अच्छे से धो पका लेंगे इस तरह से पलटते हुए। हमने इसे इस तरह से भूनते हुए तैयार कर लिया है, छिलका उतार लेंगे। हमने इसका छिलका उतार लिया है, हम अब इसको मैश कर लेंगे। हमने मैश करके तैयार कर लिया। मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें, 3 से 4 करी लहसुन और 1 इंच अदरक का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ज़्यादा मिर्ची मत डालिए, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और हमारा चोखा बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा नेनुआ का चोखा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।